पायल को पता ही नहीं लगा। गुड न्यूज़ आम से। बीमार आदमी। और सरप्राइज। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मजे में, अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक हो। तो आज का ब्लॉग नॉर्मल जैसे चलता है वैसे ही होगा। और एक रात को दिक्कत हो गई थी, चीकू को बुखार हो गया था, तो रात को फिर उसको दवाई दी। अब वो थोड़ा ठीक है और स्कूल आज वो नहीं गया। तो मुझे कैसे पता लगा कि चीकू को बुखार हो गया है? चीकू गया था वॉशरूम और वॉशरूम जाने के बाद वो मेरे पास आके लेट गया था। और लेटा जब मैंने उसको देखा तो यार वो तो गर्म था। फिर मैंने पायल को बुलाया, पायल को पता ही नहीं लगा। मैं सो रही थी ना, मुझे इसलिए पता नहीं लगा। जब लेकिन आवाज़ आई ना तुम्हारी तो मैं उठ के गई। मैंने कहा चीकू थे, फिर मैंने आपने बताया उसका फीवर है, फिर मैंने उसे डोलो दिया। उसे खांसी थोड़ा कफ का वो प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने खांसी की दवाई दी। और ये जो हरकत जो हुई है ना वो इसलिए हो रही है कि नितिन ना उसको बाहर लेके जाता है, घुमाता फिराता, तो उसको ना वो कोल्ड ड्रिंक मांगता है और वो दे देता है। मैं तो मना करता हूँ तो चीकू उसी बात नहीं मानता, जिद करता है, वहाँ पी के आते हैं। तो अब उसका गला ख़राब हो गया था, तो आज से बिल्कुल स्टिक मना कर दूंगा मैं नितिन को भी और चीकू को भी। और बाहर भी नहीं जाएगा वो शायद शाम के टाइम पे, क्योंकि जिद करता है उसे जाने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चीकू से मिलवाता हूँ। तो चीकू की तबीयत अभी ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी पापा। तो अभी कहाँ से घूम के आ रहे हो? अभी बाहर से घूम के आया हूँ। तो आज स्कूल नहीं, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। हाँ। तो आज मैं आपको एक काम करता हूँ, आज मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ बाहर, ठीक है बेटी? ठीक है। फुल। हाँ पापा, अभी ना हम ये पटाखे जलाएंगे। नहीं नहीं, पटाखे नहीं जला सकते। दिवाली खत्म, पटाखे खत्म। पापा ये पटाखा रह गया ना। नहीं बच्चा, दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो रहा है, ठीक है? और प्रदूषण हर जगह होता है, तो पटाखे नहीं बजाएंगे, ठीक है? ठीक है। ओके डन। आओ फिर मजेदार से नाश्ता कर लो। आओ आओ बैठो, इधर बैठो प्लीज सर, प्लीज सर, मैं आपको खिलाता हूँ, ठीक है? जो बाहर का मौसम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैंने क्या सोचा है कि अब ये जो बाहर वाला शीशा है ये सुबह उठते ही खोल दिया करेंगे, पूरी धूप और रोशनी अंदर रहेगी। हाँ जी, गुड न्यूज आपसे। बोलो बोलो। ओहो ना। अच्छा अब बाहर मत आइए, तेरे को जुखाम है, ठीक है? आप बोल के बताया करो चीकू, मैं बात कर रहा हूँ ना किसी से। क्या हुआ बोलो? अभी कपड़े सेट कर रही थी मम्मी। हाँ जी। गोलू तबीयत खराब है, क्यों कर रही है हरकतें? दो चार कपड़े तो रखे थे, मैं सोचा लपेट के रख देती हूँ। मत कर, इधर आना। चीकू आराम कर लो, अंदर चल के भैया ऐसे बोलू। माँ के साथ रेस्ट करो आप दोनों, बीमार आदमी। चलो। मैं बीमार थोड़ी हूँ, मैं ठीक हो गया। आपकी आवाज से लग रहा है आपको कोल्ड है ना। यहाँ पे जाम है। चलो नहीं, चुप, अंदर चलो। 7:30 बजे पता नहीं मैम का कॉल आया था। अच्छा ऐसा कर, हेलो पेरेंट ऐप है ना, उस पर लीव एप्लीकेशन डाल दे। मैं चला जाता हूँ। आज ना खेल रहा है वहाँ पे, स्कूल जाना है। कल है आपका स्पोर्ट्स डे, आज नहीं है। तो आज क्या था? आज तो ऐसे ही बुलाया था, कल स्पोर्ट्स डे, कल चले जाना। चीकू इधर आ जा और मम्मी के साथ आराम कर ले। बोलू इसको कब्जे में ले ले। दोनों माँ बेटे चलो ऊपर, चलो कब्जे में ले लो। नहीं कब्जे में नहीं आना। तो क्या करना है? कब्जे में आना। तो काफी लोगों को शादी की वीडियो बहुत पसंद आई, बहुत सारे मैसेज थे। और सरप्राइज बहुत जल्दी आने वाला है। क्या है कि ना, अभी हमारी जो 10वीं सालगिरह है उस पर हम धमाल मचाने वाले हैं पायल को लेके। तो रेडी रहे आप सब लोग। और कुछ लोगों ने बोला कि आप शुरू से दिखाएं वीडियो, क्योंकि शुरू से जो अगर मैं दिखाता हूँ बहुत लंबी वीडियो है, मतलब एंगेजमेंट की एक घंटे की, मेहंदी की है, फिर शादी है। तो एक काम करता हूँ, छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाता रहता हूँ। अब तो बेटर फील कर रही है? हाँ बेटर फील कर रही, बुखार नहीं चढ़ रहा। ठीक है आराम कर ले, थोड़ी देर थक गई आराम कर कर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भूख नहीं लगती। एक काम कर, फिर बाहर में धूप हल्की फुल्की, बाहर थोड़ा देर बैठ जा। बाहर नहीं बैठती तो नीचे घूम ले थोड़ी देर। नहीं, बाहर ही बैठ जाती हूँ। तो शाम के बज गए 4, क्योंकि मैं अभी उठा हूँ, सो गया था मैं और हमारी मैडम। मैं सो गई। हाँ तो हम दोनों सो गए थे, तो अभी उठे हैं। तो मज़ेदार सी कैब मंगवाई है गोलू ने मेरे लिए। एक और कलर है ज़बरदस्त वाला, दिखाता हूँ आपको, ये दूसरा कलर है। तो चीकू सो गया है और बहुत कृपया भगवान की कि वो इस समय सो गया दोपहर को, वरना सोता नहीं है वो। तो जो मैंने आपको बोला था, जैसे प्रॉमिस आपको किया था कि मज़ेदार आपको वीडियो देने वाला हूँ एंगेजमेंट की, तो वो देखो। I will carry you home.
तो गाइस अब हम जाएंगे घूमने के लिए लवासा। लवासा कहाँ है? पूना में। मैं और पायल, हमारे साथ हाड़ी भैया नहीं जाएंगे, फूडी भैया जाएंगे, साथ में धीरज। जो फूडी भैया उनका घर है वहाँ पे, तो फुल धमाल मचाने वाले, तो बने रहना हमारे साथ। तो ये है हमारा बहुत ही अच्छा बच्चा, इसको भी बीमारी ने घेर लिया है, पर यह दवाई बहुत ही तरीके से लेता है और नखरे बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इसके हाथ में है लॉलीपॉप। दवाई कड़वी हो तब भी लॉलीपॉप काट लेता है। तो भैया क्या कहना चाहोगे? मेरे दोनों बच्चे जब बीमार होते हैं, फिलहाल तो सीजन चल रहा है सर्दी खांसी बुखार का, बहुत इनफैक्ट बहुत क्या पीते ही नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है पिलाने के लिए। ऐसे चॉकलेट दिखाओ ये बाजू से, फटाक से चुपके से पिला दो। चिकू बड़ा अच्छा बच्चा है, देखो क्या चिकू मस्त लड़का है, मस्त बच्चा है ना चिकू। खुद ही पानी भी पी लिया और साथ में उसके पास जुगाड़ भी है लॉलीपॉप। तो चिकू क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा है। दवाई पी के जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आपको देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।